गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी हो रहे सुबह के 9:30। और अभी का सीन ये है कि मैं जाने वाला हूँ अभी नाखून कटाने। और क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज यही तो अभी श्रावण का महीना चल रहा है। तो एक बार मैंने नाखून कटा था, पर मतलब यहाँ पे मैंने जो प्याज लहसुन वो सब खा लिया था। तो कल हम लोग जाने वाले हैं पानी उठाने के लिए, बड़ा कर बोलवाऊँ, तो उसी के लिए भी हमको नाखून कटाने जाना पड़ेगा। और आज तो संडे है, इसीलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, बिकॉज 2-3 सप्ताह से मैं ब्लॉग ही नहीं अपलोड किया। तो लेट से भी चलते हैं, लटानी हमको जाना पड़ेगा नाखून कराने के लिए, चलते हैं। और मेरी दीदी भी चल गई हॉस्टल, लेट्स चलते हैं। मैं घर से तो निकल चुका हूँ, घर से यहाँ ब्लॉक तक भी पहुँच गया। तो ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग का घर, यहीं पे ब्लॉक यहीं पे। तो आज तो संडे है, तो आज ब्लॉक बंद है। और मेरा मतलब जुकाम हो गया, तो इसीलिए गला भी मेरा बैठ गया था, आवाज़ थोड़ा अजीब आ रहा होगा आपको। तो लेट्स अभी चलते हैं लटानी, नाखून कटाने के लिए इतना दूर जाना पड़ रहा है। तो चलते हैं, आपसे मिलते हैं लटानी में। जब मैं मतलब हाईवे रोड के सामने पहुंच ही गया हूँ, मैं दूसरे रास्ता रहा है गांव की तरफ से नहीं, पर साइकिल अन ब्रेक, मेरा ब्रेक तो ऐसा भी रहता नहीं है साइकिल में। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो देखो आगे एक घोड़ा, जो कि मुझे जाने में डर लग रहा है, मुझको ठोक वोक ना दे, मतलब दौड़ाने ना लग जाए, उसी के लिए मैं इधर रुक गया। तो चलते हैं, प्लीज़ मत दौड़ाना यार। तो इधर से मैं साइड से होकर निकल जाऊँगा, उसको उसके पास ही नहीं जाऊँगा। और यहीं पे है जो रोड, तो वो पहुँच तो गए। सो गाइस, जी है जो नीचे में है, मुझे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो पार तो हो गया, तब चलते हैं इधर। शॉर्ट रास्ता तो मैं आ गया, ये रहा हाईवे। तो मोबाइल बंद करके आराम से रोड क्रॉस कर लेता हूँ, बिकॉज गाड़ी बहुत ज़्यादा चलता है इधर। तो बार बार पहुँच गए हैं, तो सैलून में नाखून काटने में तो कटा लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ था, पर मुझे सिर्फ नाखून कटाना था, तो वो हो गया। और यहाँ से मैं ऊपर आ गया, नीचे का व्यू दिखाते हैं, पूरा ऐसा मतलब जंगल झाड़ी बन गया एकदम छोटा सा। तो चलते हैं नीचे, हम लोग गांव का भी कुछ बच्चा आया था मुझसे पहले ही, तो उन लोग भी कटा लिया, अब जाएगा हम लोग, तो साथ ही में चलते हैं। तो गाइस नाखून कटा रहे तो निकल चुके हैं, तो अभी जा रहे हैं घर। सो लेट्स चलते हैं अभी घर के लिए, इसी रास्ते से निकलना होगा ना। एक हाथ छोड़े साइकिल को उतार के, उन लोग साला दूसरा रास्ता जा रहे हैं और मैं दूसरा रास्ता से, साथ ही में चलते हैं सबको। सो लेट्स चलते हैं, और मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा, बिकॉज हाईवे रोड है, यहाँ पे गिर विर गया तो कुचल के चल जाऊँगा, ब्लॉग क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं, फाइनली घर पहुँच चुके हैं। क्या हुआ कुछ हम नोक कटें छी घर में, हम तो घर कम कर ढिको लोग के नोक कटें सकाले बोल ले कत बार कर बोल ले किन तो सुन भी नहीं तो भूले गेल छली। सो अभी घर आते आते हमको एक सरप्राइज मिला, लाइन आ गया, हम लोग कल रात से लाइन नहीं था कि नोक कटाए थे गेल छली। एंड सो गाइस, अभी जो मैं पहले नहाने चल जाता हूँ, ऐसे मिलते किलो। और जो अभी धूप दे रहा है और आसमान का व्यू, क्या ही ख्याल आ रहा है, क्या ही खतरा मौसम। सो चलते हैं नहाने के लिए, नहा के अब से मिलते हैं। और मम्मी मुझसे गुस्सा आ गई, क्योंकि मम्मी का पूजा के लिए मैंने फूल लाना मैं भूल गया, नाखून कटाने चल गया लटानी, तो अभी मुझसे गुस्सा हो गया। तो नहाने चलते हैं, अभी फूल लाना पड़ेगा मम्मी के लिए। दस और अभी तक मैंने मुंह नहीं धोया है, लटानी चल गया नाखून कटा के आ गया, बट अभी तक मैंने मुंह तो धोया नहीं है, तो अभी मुझे मुंह धोना भी पड़ेगा, नहा के भी आते हैं। आके जो मैंने फूल ला दिया मम्मी के लिए, अब खुश हैं, हंसी दिख रही। आ चुका था बट एक गो प्रॉब्लम, मतलब पानी आ गया टाइम का जो पानी आता तो वो भरने लग गया, तो इतना तेज में भूख लगा है। तो पानी भरने के बाद अभी जो छत में आ गया हूँ दही रोटी खाने के लिए, तो खाते हैं एंड आपसे मिलते हैं। खाना पीना तो हो चुका था मेरा, तो अभी टाइम हो रहा है 12 या फिर 1 बज चुका है 12:30।
और लाइन जा चुका है और मम्मी इधर खाना बना रही है। क्वालिटी से मेरा वीडियो बन रहा है बहुत ही खराब। यहाँ पे भिंडी भजेगा, ये किस चीज का सब्जी? झींगा। झींगा का। आई लाइक इट, बड़े मस्त लगता है एकदम एकदम गर्मा गर्म। सो आपको एक चीज दिखाना था कि मतलब हम लोग वहाँ पे गेहूँ जो सूखने के लिए ऊपर में रखे हैं, अरे इतना सारा कबूतर आ रहा है ना खाने के लिए, तो उसको मैं हटा रहा हूँ, तभी फिर चलता हूँ। अभी उतना आया नहीं होगा आई होप कि, इतना तगड़ा धूप दे रहा है ना। अभी सब छत में बैठा है, इधर भी बैठा है, इधर इधर, ये वाला छत में सबसे ज़्यादा है देखिए। तो अभी मैं यहीं पर आता हूँ, जैसे आएगा इधर सब उड़ाया तो देखिए कि कहाँ तक आया फेंक के एकदम, ये सब तो पूरा बिखेर दिया। तो मैं यहीं पर रहता हूँ, जैसे आएगा आपको दिखाते हैं। सभी आ गया कबूतर, सब दिखाता हूँ, एक भी नहीं आया। ऊपर सब में उड़ रहा है, मुझको लगा कि नीचे आ गया, पोपट हो गया मेरा। देखो मैं एक बार यहाँ 2-3 बार इन सबको भगाया ना, तो इसीलिए यहाँ पे स्कूल ड्रेस सब तो मेरा सूख रहा है। और 15 तक भी आ रहा है, और मेरा बहन भी गाइस चल गया था बहुत ही घर में। यहाँ पे मम्मी गेहूँ सबको उधर था, उधर से इधर की, और सभी पानी आ गया। हेलो, गिरने भी लगा अब किधर? अरे पेंट सब को यहाँ पर रख देते हैं। ये सब तो सूख गया, ऐसे रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी इन लोग ऊपर में रख देते हैं। सूखा नहीं है, ये सब भींगा हुआ है, पानी गिरने लग गया अब। इधर गाइस पानी नहीं गिर रहा है, और गिर रहा है इधर, बिकॉज इधर से इधर पानी जा रहा है ना, इसीलिए इधर एक थोड़ा भी नहीं है और इधर गिर रहा है। छूट गया पानी, 2 मिनट के लिए आया, छूट गया। बट आसमान में जो मौसम क्या है ना, बहुत ही खतरा दिख रहा है दिखने में चारों ओर। इधर तो ब्लैक बादल हो गया और उधर वाइट एंड ब्लू। ये देखिए हड़हड़ा के नीचे आ गया रहने के लिए। और ये वाला पेड़ जो दूसरा था, ये वाला किसी खराबी से पेड़ जो क्या जो पूरा सूख गया, तो ये वाला यहाँ पे से मम्मी काट दी थोड़ा सा बस। और ये रहा पेड़, ये वाला दूसरा पेड़ है जिसमें खाली एक ही फूल है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मस्त एकदम। एक फोटो ले लेते हैं, तो भी चलते हैं नीचे डिनर कर लेते हैं, डिनर क्या लंच कर लेते हैं। शाम को मौसम जो इतना पूरा अच्छा दिख रहा है चारों तरफ एकदम आसमान में, तो इस टाइम को अभी चलते हैं बाहर। बाहर जाने से पहले पैर पहन लेता हूँ पहले शर्ट। घर में तो मैं ऐसा ही एकदम, हम लोग यहाँ तो गंजी बोलते हैं गिरने में घूम लेते हैं, तो यार ब्लैक कलर का शर्ट इसको पहन लेते हैं, अच्छा मिलते हैं। बाकी एलोवेरा तो फुला एकदम ग्रीन हो गया, फुल ग्रीन एकदम, तो पहनते हैं अच्छा मिलते हैं। एंड लेट्स गाइस, अभी जो मैं रेडी हो चुका हूँ, वाइट ब्लैक कलर का शर्ट एंड ब्लैक ट्रोजर, दोनों ब्लैक एंड ब्लैक, ब्लैक ट्रोजर एंड ब्लैक शर्ट, लाइक मतलब जो ब्लैक कलर बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी किधर है साइकिल निकालना पड़ेगा अपने, तो जो मेरे साथ जा रहा है उसको बुला लेते हैं। फिलहाल से इधर है मेरा साइकिल, तो उसे निकालते हैं और चलते हैं। अभी आए थे हम लोग बाहर इधर घूमने के लिए, एकदम बाहर जो माहौल है एंड वातावरण जो है बहुत ही घटिया, या फिर अच्छा आप लोग बोल सकते हैं। इधर पूरा आसमान में काला हो गया, वाइट एंड ब्लैक स्क्रीन में तो ब्लैक दिख रहा है, उधर पहाड़ के सामने उस साइड में पीला पीला दिख रहा है, बड़ी खतरा, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सो अभी जो चलते हैं घर, इधर का देखते हैं एकदम व्यू जो अच्छा आ रहा है ना, रुको तो यहीं पर देख सकते हैं आप लोग, उधर सबका पहाड़ सब जो अच्छा दिख रहा है ना। किधर लेके चल गया मेरा साइकिल, इधर से तो पानी आ रहा है, तो घर जाना पड़ेगा। और कल जाने वाले हैं हम लोग बढ़ाकर, तो देखते हैं, अगर मैं मोबाइल ले जा रहा हूँ तो ब्लॉग शूट करूँगा। अभी चलते उधर एक गो तालाब भी है, तो बहुत दिनों के पहले मैंने वहाँ पे एक वीडियो बनाया था, तो लेट्स देखते हैं वहाँ पे पानी वानी भरा है कि नहीं। नहीं जाऊँगा अभी, तो पानी गिरने लग जाएगा, पानी आ रहा है, तो लेट्स चलते हैं घर। पूरा आसमान एकदम येलो है, ब्लैक वाइट, तो लेट्स चलते हैं घर। सो गाइस अभी चल आ चुका है, एंड आज के इस वाले ब्लॉग का मैं यही प्लान करता हूँ। आई होप लोग ब्लॉग अच्छा लगे, तो ब्लॉग अच्छा लगा है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड जल्दी मिलते हैं नया ब्लॉग है, तब तक के लिए बाय।